नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी मेरा गांव तेरा प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों 3 दिवसीय दौरे के लिए अपने उत्तराखंड आए हुए हैं। 3 मई को अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने यमकेश्वर महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरा दौरा है। 5 सालों के बाद सीएम योगी अपनी 84 वर्षीय माँ से भी मिले और उनकी माँ की इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर भावुक हो गई हैं। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी अपने नाते रिश्तेदारों से मिले। अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचकूर की पगडंडियों में पैदल सफर करते हुए सबसे मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम निपटाए तो वहीं दोनों राज्यों की परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर भी चर्चा की है। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार जाएंगे, जहां परिसंपत्ति बंटवारे के अंतर्गत आने वाले अलकनंदा होटल के पास बनाए गए भगीरथ होटल का उद्घाटन भी करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ एक छोटे भाई की तरह हुआ चलते नजर आए हैं। सीएम धामी सीएम योगी को भाई मानते हैं और उन्होंने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि अब परिसंपत्तियों पर दोनों राज्यों को सौगात दी जाएगी। परिसंपत्तियों के मामले पर आगे क्या रणनीति रहेगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर डालिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर। यमकेश्वर के पंचूर गांव में 5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली मां के दिल में कुछ ऐसे एहसास झलकने लगे जब उन्होंने अपने बेटे को देखा। वाकई यह पल बहुत भावुक था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तराखंड के यमकेश्वर में स्थित अपने पैतृक गाँव पंचूर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यमकेश्वर महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी भावुक नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उस घर में वापस वर्षों बाद लौटे जिसमें उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न सिर्फ उनकी मां बाबू क्वीन बल्कि उनके परिजन और रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर बहुत प्यार किया। किसी के साथ ही उन्होंने मांडवी की रोटी और पहाड़ी व्यंजन को भी सालों बाद खाया और अपने पुराने दिनों को याद किया। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, इसका नाम किया था भागीरथी होटल। बराबर में जो बनाया उसका नाम है अलकनंदा होटल, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ हैं, उनसे दोनों को मिलकर गंगा जी बनी है। यूपी टूरिज्म का होटल बन रहा है और यूपी वालों ने बनवाया अपने पैसे से, जो कि 72x36 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है और इसका 5 तारीख को भी ये पूरा कर दिया गया। निर्माण निगम द्वारा, यूपी राज्य के निर्माण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि ये 5 तारीख को, इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयबीर सिंह उपस्थित होंगे। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां अपने नाते रिश्तेदारों से मुलाकात की, तो वहीं उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के बीच लंबे वक्त से चल रहे परिसंपत्ति के विवाद को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले परिसंपत्ति को लेकर बैठक कर परिसंपत्तियों के बंटवारे कर चुके हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया है और उसका बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया। यूपी राज्य के निर्माण निगम द्वारा भागीरथी होटल का निर्माण किया गया है। 5 मई यानी कल सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड
के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले यूपी के अधिकारियों ने हरिद्वार में डेरा जमाया हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनावी माहौल के साथ सीएम योगी के दौरे को उपचुनाव से जोड़ा है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का, इस देश का, कि यहाँ का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं लगता, प्रचार मंत्री लगता है। मैंने प्रधानमंत्री के 985 दिन जो भी होते हैं उसमें से 90% दिन जो है मैं उनको प्रचार में देखता हूँ। वही हाल सीएम का होगा। वह अपनी स्टेट की प्रॉब्लम्स को सुधारने की कोशिश नहीं करते। एक ही बीजेपी का एक ही लक्ष्य होता है कि चुनाव। उनको जनता के सरोकारों से मतलब नहीं, जंगल जल रहे उससे मतलब नहीं, लोग बेरोजगार हो रहे उससे मतलब नहीं, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, उनको इससे मतलब। बीजेपी को चुनाव और चुनाव उसके अलावा कुछ नहीं देखता। चाहे आपसी सांप्रदायिक माहौल बन जाए, चाहे सौहार्द खत्म हो जाए, चाहे कोई मर जाए, लेकिन बीजेपी को चुनाव जीतना है, उनको और कुछ नहीं देखना। हरिद्वार में अलकनंदा के पास ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथ होटल का निर्माण कराया है। इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों के अंतर्गत आने वाले अलकनंदा होटल का तो मामला सुलझा लिया गया, लेकिन बाकी संपत्तियों के साथ किस तरह दोनों सरकारें बंटवारा करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। यमकेश्वर से भगवान सिंह, हरिद्वार से राम गोपाल, देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। और आज इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में आज सचिन गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आरपी रतूड़ी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे भी जो मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं सचिन गुप्ता जी के साथ में। सचिन जी, उत्तराखंड के कहीं ना कहीं बड़ा गौरव का दिन है। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं, और दूसरे ओर वो उत्तराखंड के ही लाल हैं, तो बड़े गर्व के साथ उत्तराखंड की जनता मौका आने पर कह देती है कि हमारे यहाँ का बेटा, हमारा बेटा उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है। जी बिल्कुल, जो है आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है, और हमारी माटी में जन्मे हमारे उत्तराखंड के लाल जो आज पूरे देश विदेश में जो है आज जो है हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे परम वैभवी सन्यासी मुख्यमंत्री आज हमारे प्रदेश के अंदर हैं। और निश्चित रूप से जो है आज उत्तराखंड का जो जनमानस है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और निश्चित रूप से माने योगी जी का आज जो है लगभग ये मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरा दौरा जो है उत्तराखंड के अंदर है, और कहीं ना कहीं जो है एक कार्यकर्ताओं में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे हमारे दूर दराज क्षेत्रों के गांवों के लोग, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बिल्कुल, यानी काफी प्रसन्नता का विषय है ये सभी के लिए। और आरपी रतूड़ी साहब के पास चलते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आरपी साहब, आपका क्या कुछ कहना है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान न सिर्फ निजी कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं, बल्कि परिसंपत्ति बंटवारे से जुड़ी भी कुछ चीजें सामने आई हैं। दौरे से जुड़ा क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उनके इस दौरे को लेकर? देखिये, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर कोई भी आए पर्यटक के रूप में उसका स्वागत है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो एक केवल भाजपा के नेता के रूप में आए हैं, अगर वो उत्तराखंड के सपूत के रूप में आते तो हम जरूर उनका स्वागत करते, क्योंकि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो तब उत्तराखंड के सपूत को अपने पिता, पिता तो एक ही होता है जो जन्मदाता होता है। आज केवल अगर उत्तराखंड में आए तो केवल दूसरी बार आ रहे, पहली बार भी चुनाव में आए, दूसरी बार भी जब उनको दिखाई दिया कि चंपावत की नैया भी खटिमा की तरह डूब रही है, तो चुनाव बेहतरनी को देख करके वो ही उत्तराखंड आए। उत्तराखंड का सपूत होता तो जरूर उत्तराखंड का बड़ा भाई उत्तर प्रदेश संपत्ति बंटवारे में हमको बड़ा योगदान देता। जरा बताएं संपत्ति बंटवारे में, अरे एक छोटा सा होटल हमको देख के हमारी धरती पर एक बड़ा सा आलिशान होटल उत्तर प्रदेश का बना करके हमको क्या सौगात दे गए? हमारी जल विद्युत परियोजना जो कालागढ़ की है उसकी जमीन को अगर हमको कहते कि उत्तराखंड में है, उत्तर पर ये उत्तराखंड की है, अगर ये हमारी नहरें जो उत्तराखंड की है,
अगर ये कह देते कि उत्तराखंड की है तो हम कहते रोडवेज का है, आवास विकास का है, तमाम हमारी जो संपत्तियां हैं वो अगर हमको उस समय सही तरीके से आवंटित करके हमारा हिस्सा हमको देते तो बड़ा भाई का बहुत बड़ा खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन वो भाजपा के नेता के रूप में आए, उत्तराखंड का बड़ा सब कुछ होता तो निश्चित तौर पर जब हमारे उत्तराखंड के उस सपूत का जो उनके पिताजी थे उनका देहांत हुआ उस समय आते तो हम भी कहते कि नहीं। लेकिन रतुड़ी साहब, इस रतुड़ी साहब जब उनके पिता का देहांत हुआ था तो कोरोना काल चल रहा था, ये हम सब जानते हैं, और उस दौरान आवाजाही पर जिस तरह की रोक लगी थी, वरना मुझे लगता है कोई व्यक्ति कुछ भी बन जाए, नेता अभिनेता, लेकिन माता पिता से बड़ा नहीं होता ना। और फिर आज भी मुख्यमंत्री योगी का जो शेड्यूल रहता है वो बेहद बिजी रहता है, अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए भी वो कितने सालों के अंतराल के बाद गए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस को उनके इस कदम को सराहना चाहिए बजाय इसमें कमी निकालने के। आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया था। अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कोरोना नियमों का पालन हो सके, नजीर पेश की जा सके। ये तो आपको शायद जानकारी नहीं है, तो फिर अगर कोरोना नहीं, मुझे पूरी जानकारी आप बताइए। हाँ आप बताइए क्यों नहीं कहते। उन्होंने एक आदमी को जो यहाँ से कोरोना फैला गया, याद रखना चाहिए वो सन्यासी भी हैं। अरे भाई सन्यासी हैं तो आज भी सन्यासी हैं, आज सन्यासी नहीं है तो आज भी जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, आज भी जो है घोवा वस्त्र धारण करके मतलब आपके पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। नहीं आपके पिताजी और मेरे परिवार, अरे भाई सुन रहे यार, आपके पिताजी और मेरे पिताजी सन्यासी नहीं थे, हमने देश की सेवा नहीं की। हमारा बेटा सन्यासी नहीं है, वो देश में फौज में फाइटर पायलट नहीं है, वो जितने भी सन्यासी होते हैं वही देश की सेवा कर रहे हैं। ये जो बाकी साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, कर रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं कि तो आप ये कैसे कह सकते हैं नहीं आए हैं पिता की मृत्यु पे, वो सन्यासी व्यक्ति थे, आज क्यों नहीं, आज सन्यासी नहीं है काम में, समाज के काम में मत को। उस समय चरम पे जो है कोरोना काल चल रहा था, भाई मुझे समाज की सेवा में लगे थे। अरे भैया मिट्टी पे यही तो तुम्हारी मृत्यु में नहीं आए, ये तो अंधभक्ति है, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। नहीं रतुड़ी साहब, रतुड़ी साहब कम से कम ऐसे मामलों में संविधान अपनी जो संवेदनशीलता उसको मत खोइए, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है बेहद गंभीर विषय है। शांति प्रसाद जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी आप बताइए, योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के दौरे पर हैं, आप उनके इस दौरे को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी रतुड़ी साहब कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा औपचारिक दौरा रहा, वो भाजपा नेता के तौर पर आए, जबकि उन्होंने अपनी माँ से भी मुलाकात की, उत्तराखंड के लोगों से बातचीत की। वो अक्सर अपने संबोधन में कहते भी रहते हैं कि मुझे उत्तराखंड की चीजें बेहद पसंद है। अरे उत्तराखंड को इस बात को गौरव की तरह लेना चाहिए कि उनके प्रदेश का बेटा देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है। पार्टी क्या है मुझे लगता है ये बात की बात होती है, सबसे पहले वो उत्तराखंड के लाल हैं, उन्होंने खुद भी कहा। शांति प्रसाद जी देखिए, एक माँ के रूप में उसका बेटा अगर उसके घर आता है तो माँ बड़ी भावुक होती है, उनके आंसू ये बताते हैं कि देश के वो कितने ही बड़े पद पे चले जाएं मगर एक माँ का अपने बेटे से बिछड़े रहना लंबे अंतराल तक, वो उनकी आंखों में दर्द झलकता है, गायब गायब वो याद करती हैं, रोती हैं। दूसरा वो सन्यासी हैं, वो उनका अपना जीवन का एक निर्णय था, उन्होंने जीवन में सन्यास को ग्रहण किया, उस सन्यास से उन्होंने जो भी पाया वो इस राष्ट्र के लिए कितना लाभप्रद है वो आने वाला समय देश में समय काल बताएगा। मगर जहाँ तक एक क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर हम सवाल खड़े करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में और उत्तराखंड में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के हैं, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ऐसे में माना जाए कि 4 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड का जो छोटा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, आज राज्य को बने 22 वर्ष हो गए हैं, आज भी हमारी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गाय बगाए चुनाव में ये कहती रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश से संपत्ति का विवाद समाप्त कर लेंगे। 70 से 80 हजार करोड़ की संपत्ति है, जैसे नहरें हैं, आवास विकास है, कालागढ़ डैम है, ये तमाम ऐसी संपत्तियां जो है उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त कब्जा किया हुआ है। ऐसे में सवाल इस बात का खड़ा होता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, और डबल बार ये सरकार आ चुकी है। अभी तक संपत्तियों का विवाद का निस्तारण नहीं हुआ है, और जब जब उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री का उत्तराखंड की तरफ आगमन होता है या उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री का लखनऊ की तरफ जाना होता है, ऐसे में एक बयान जरूर आता है कि हमने कभी 15 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी 1 घंटे में उत्तराखंड की सारी संपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। वो जाएगा, होगा, करेंगे। आज तक लगभग 10 साल हो गए हम सुनते ही आ रहे हैं, परिसंपत्तियों का विवाद हमारा समाप्त नहीं हुआ है, जबकि नवोदित राज्य के अंदर बड़े भाई के नाते उत्तर प्रदेश को ना सिर्फ हमारी संपत्ति छोड़नी थी, हमको आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करने की सोच भी रखनी चाहिए थी। दुर्भाग्य देखिए, अगर हमारी ही जमीन पर हमारे ही द्वारा एक भागीरथी पैलेस के नाम से भव्य होटल बनाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश को गिफ्ट करना पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश ने जो हमारा होटल अलकनंदा कब्जा किया हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट से गाय बगाय हमको मिलना ही था, आज वो हमको वापस देने आ रहे हैं। ये उल्टी गंगा जो हरिद्वार में बह रही है, कल उसको भी जनता देखेगी। ठीक है, अब आइए उनका अपना पारिवारिक दौरा देखिए। उनके छोटे भाई महेंद्र, हमारा जो छोटा भाई है, उसके बेटे का ना चूड़ाक्रम था, इस कार्यक्रम में उन्होंने आना था। इसी दौरान उन्होंने स्कूल के अंदर अपने गुरुजी की बड़ी आदमकद मूर्ति बनाई हुई थी, उसका भी अनावरण कर दिया। तो अपने निजी कार्य के साथ साथ अगर एक राज्य का कार्य भी उन्होंने किया है, तो जनता इसका आकलन कर रही है। निश्चित रूप से चंपावत का चुनाव को प्रभावित करना भी इसको देखा जाना चाहिए कि चंपावत में कहीं ऐसा ना हो कि खटीमा की पुनरावृत्ति हो जाए। और योगी जी का अपना एक बहुत बड़ा नाम है, कोई योगी जी के सहारे शायद वो जो है चंपावत के नैया पार करने की सोच रहे हूँ। सवाल इस बात का है, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, दौर इस बात का है कि यदि बड़ा भाई होने के नाते वो हमारी परिसंपत्तियां छोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा भाई हमारी संपत्तियां छोड़ रहा है, मगर जैसे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र रहा है, ये केवल आश्वासन और भाषण में जुमले देकर जनता को गुमराह करते हैं। ऐसा ही आपको महसूस होगा कि कल की घोषणाएं सिर्फ कोरी होंगी, ना हमारी संपत्तियां छूटेंगी, ना हमको न्याय मिलेगा, और ये बदस्तूर 22 सालों से चल रहा है। और आप अगले एक हफ्ते में भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड के साथ सिर्फ धोखा देकर चले गए। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारी संपत्ति हमारी टेरिटरी के बीच में है, उसको उत्तर प्रदेश को गाय बगाय छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ेंगे। तो जिस दिन क्षेत्रीय सोच के व्यक्ति सत्ता के नजदीक जाएंगे, हम वो ताकत रखते हैं कि अपनी संपत्ति को कैसे लेना है। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में बड़े भाई की जो गुंडागर्दी उत्तराखंड के साथ चल रही है, उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस कारण हमारा कई विकास अवरुद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में उमा सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। उमा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर हैं, निजी कार्यक्रमों में वो अपने निपटाते हुए नजर आए। उनके अपने परिवार के जो कार्यक्रम थे, मां से मुलाकात हुई, बेहद भावुक पूछवण आपने भी देखा होगा, लेकिन इस दौरान कुछ औपचारिकताएं भी हैं प्रदेश को लेकर भी, जो उनको भी पूरा किया जा रहा है। आप उनके इस दौरे को किस तरह से देखती हैं, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के नाते आप उनके इस दौरे को किस तरह से देखती हैं, और साथ ही साथ क्योंकि आप भी जानती हैं कि उत्तराखंड से विशेष नाता है, पैतृक गांव उत्तराखंड में ही है, वो उत्तराखंड के ही बेटे कहलाते हैं, तो ऐसे में उनके इस दौरे को किस तरह से देखती हैं आप, विस्तार से बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो इस बार का जो ये दौरा है, जैसा कि शांति भाई भी बोल रहे थे कि उसमें काफी बड़ा भाग जो है वो उनका अपने जो उनके पारिवारिक जो उनके समारोह हैं या अपनी माता जी से मिलना है, वो उस पर है। एक पारिवारिक व्यक्ति भी है, उनका परिवार उत्तराखंड में है, तो ऑब्वियसली उनको उनके साथ जाना, उनके साथ समय बिताना, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से मिलना, वो भी एक मानवीय उनका एक कर्म है, जिसको कि योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर किया। लेकिन साथ साथ अगर हम सरकारी दौरे की बात करें, या जो सरकार की बीच में जो भी परिसंपत्तियों की बात है, या जो दूसरी तमाम राजनीतिक चीजें हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उसको भी इस दौरे में, मतलब इसको भी कर रहे हैं। जैसा कि कल उनकी जो एक सभा थी बिनयानी में, उनमें लगातार वो वहां पर अपने जो वहां पर उत्तर प्रदेश की जो उनकी कार्य प्रणाली है उसके बारे में वो बात करते रहे। वो अपनी जो अयोध्या के बारे में या दूसरी जो तमाम हिंदुत्ववादी जो चीजें हैं उसके बारे में बात करते रहे। कहीं ना कहीं घूम फिर के बात यही आती है कि चंपावत का जो एक चुनाव है उसको लेकर धामी जी सीरियस हैं, पूरी जो
बीजेपी है वो सीरियस है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का ये जो दौरा है इसको आधिकारिक रूप से उन्होंने चुनावी दौरा नहीं घोषित किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि इस चुनाव को लेकर भी योगी जी की जो उनका हिंदुत्ववादी जो चेहरा है उसका यूज बीजेपी करना चाहती है। और रही बात परिसंपत्तियों की, तो मैं नहीं समझती कि इस दौरे पर भी परिसंपत्तियों के बंटवारे पे चीजें बहुत आगे तक बढ़ पाएंगी। हो सकता है एक आध होटल इधर उधर हो जाए, एक आध जमीन इधर उधर हो जाए, लेकिन हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां जो उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश के हाथों में है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में उस पे एक बड़ी मैराथन बैठक यहाँ होने वाली है। और बहुत सीरियसली योगी आदित्यनाथ जी और धामी जी और मोदी जी मतलब जो त्रिदेव हैं, ये मिलकर इस बात को पूरा करेंगे। हम लोग पिछले 20 सालों से सुन रहे हैं, और इस चुनाव से पहले भी धामी जी जब वहां पर यूपी में गए थे और उसके बाद ट्रक पर चढ़कर गले में बहुत सारी मालाएं लाद कर ढोल नगाड़े बजाते हुए धामी जी को लेकर आया गया और कहा गया परिसंपत्तियों का विवाद पूरी तरह से सुलझ गया है, और धामी जी ने देखिए आते ही कितना बड़ा काम कर दिया, और देखिए सारे हमने जो काम 22 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई वो धामी जी कर गए। मैं समझती हूँ कि वो एक राजनीतिक पैंतरा था, चुनाव होने वाले थे तो धामी जी का वो चेहरा बनाना जरूरी था बीजेपी के लिए, लेकिन धरातल पर काम क्या हुआ बिल्कुल शून्य। अगर एक आध होटल की हम बात करें तो ये तरीका नहीं है, ये 22 साल से जो कार्य नहीं हुआ, राज आपकी सेंटर में सरकार है, आपकी यूपी में सरकार है, आपकी उत्तराखंड में सरकार है, और तीन तीन सरकारें होने के बावजूद, ट्रिपल इंजन की सरकारें होने के बावजूद भी अगर दोनों मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है इस विवाद को सुलझाने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी ऐसा होगा कि तीनों जगह बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी को बहुत सीरियसली इन सब चीजों पर बात करनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उत्तराखंड और यूपी के बीच में, जो हमारी संपत्तियों का बंटवारा है, ये बहुत ही स्वर्णिम मौका है कि दोनों मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर बैठे और अपनी 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 जो संपत्तियों का बंटवारा है। ठीक है, यानी ये बहुत अहम मौका है और बड़ी अहम बातें उमा जी की ओर से कही गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप राणा जी भी मौजूद हैं। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है। आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, यहाँ पर अगर सबकी बात पर ध्यान दिया जाए तो लगभग सबको लगता है कि कहीं ना कहीं चंपावत चुनाव को इफेक्ट करने के लिए भी योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से उसको भी कनेक्ट किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा दौरा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल निजी कार्यक्रम उनके परिवार में था, इसी के लिए पूरी तरह से नजर आ रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा चंपावत से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, और उसके कारण भी नहीं बन पा रहे हैं ऐसे कि इसको चंपावत से जोड़ के देखा जाए, क्योंकि उनका दौरा जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पौड़ी के छोटे से गाँव में है, और चंपावत कुमाऊं मंडल का एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, तो ये और उनके बीच में दूरियां भी काफी हैं, और वहाँ सामाजिक और भाषाई अंतर भी काफी ज्यादा है देखने को मिल रहा है। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि जो योगी आदित्यनाथ का ये दौरा था, ये चुनाव उत्तराखंड के चुनाव से काफी पहले इसको तय किया जा चुका था कि उन्होंने यहाँ आना था, और उत्तराखंड में जो उपचुनाव की आचार संहिता लगी है ये तो अभी 2-3 तारीख को ही जारी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री नाथ के दौरे को लेकर के पहले से ही तैयारियां थी, उनको लेकर के पहले से ही सूचना थी, जानकारी भी पहले से निकल कर आ रही थी कि उनका जो ये है दौरा उनका यहाँ पर है। मैं इससे हटके एक चीज और कहूंगा कि भले इसमें जितनी भी राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हों, लेकिन जो भारतीयता है और भारतीय जो समाज है उसमें जो संत परंपरा है, उसमें जो ये अध्यात्म की परंपरा है, उसके तहत ठीक है वो अपने पूर्व के आश्रम में, क्योंकि अब वो गृहस्थ आश्रम में है नहीं, उन्होंने संन्यास आश्रम लिया है, संन्यास आश्रम में जाने की जो कुछ नियम है, कायदे हैं, उसमें सबसे पहले आपको अपना पिंडदान करना होता है, मतलब आप अपने ही पिंडदान, जबकि जो चीजें संस्कारों में, अंतिम संस्कार में परिवार के जन या पुत्र द्वारा किया जाता है, जो परिवार के अपने करीबी होते हैं वो करते हैं किसी के निजी की मृत्यु पर, है ना, तो वो संन्यास आश्रम में जाने से पहले ये सारी चीजें करनी होती हैं कि भाई अपने गृहस्थ आश्रम से हमारा तमाम नाता टूट चुका है ना, लेकिन जो पारिवारिक नाता, जो सांसारिक नाते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक नाते तो नहीं टूट सकते ना, बिल्कुल, क्योंकि रहते तो आप उसी समाज में हैं, और आज वो अपने पूर्व के आश्रम में आए हैं, है ना, जिस आश्रम में उनकी माता है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, इस सत्य को भी कोई नहीं झुठला सकता। तो ये राजनीतिक टिप्पणियां पर तो मैं ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक दलों का अपना अधिकार क्षेत्र है,
और वो उसमें जो भी चाहे टिप्पणी करें, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस हमारी टिप्पणियों से, राजनीतिक टिप्पणियों से समाज में ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समाज को कुलदीप जी एक बात जोड़ना चाहूंगी, अभी रतूड़ी साहब कह रहे थे कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में मतलब मुझे लगता है कि इन चीजों को उठाना, इतने संवेदनशील मुद्दों चीजों को उठा, हम सब ने देखा था ना जाने कितने लोग अपने पिता या अपने परिजनों के ऐसे संस्कारों में नहीं पहुंच पाए थे, शामिल नहीं हो पाए थे, तो उस वक्त, और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग, वो कांग्रेस किसी के भी रहे हो, जनता, हम भारत देश की जनता की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने को खोया और लोग उन तक पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि वो जो काल था उस पर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक थी। तो ऐसे में इस तरह की चीजों को उठाना, मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को इससे भी बचना चाहिए। नहीं गरिमा, देखिए मैंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों का तो ये अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अगर आप भी सोशल मीडिया पे देखें तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की और उनके माता जी की जो फोटो निकल करके आई है जिसमें वो उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो उसको बड़े भावुक और मार्मिक तरीके से उन्होंने उसको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया है। तो वहां पे कुछ चीजें और हैं, यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, खैर, लेकिन ये उनकी ये कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है। मैं एक उत्तराखंड की और उत्तराखंड के हमारे देश की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसकी तरफ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड के अंतर्गत चमोली जिले में एक मंदिर है रुद्रनाथ भगवान का, जो पंच केदारों में जो गिनती होती है तो उसमें रुद्रनाथ की भी गिनती होती है, और रुद्रनाथ के जो पुजारी होते हैं, रुद्रनाथ में जो भगवान शिव जो वहां रहते हैं, तो 6 महीने वो उस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और 6 महीने वो गोपेश्वर में आ जाते हैं, है ना, 6 महीने उनको गोपेश्वर में प्रवास होता है। तो जब 6 महीने के लिए वो उस पहाड़ी क्षेत्र रुद्रनाथ में होते हैं तो जो उनके मुख्य पुजारी होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन चूंकि वो वहां के पुजारी हैं इसलिए 6 महीने के लिए उनका अपने परिवार से सारा नाता टूट जाता है। और मेरे सामने की घटना है कि एक पुजारी जिन जो वहां 6 महीने अपने आध्यात्मिक कर्म में जुटे हुए थे, घर में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनको सूचना दी गई 2 दिन, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था, 2 दिन लगते हैं वहां पहुंचने में, बड़ा शानदार ट्रैक है वो, तो वहां पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, सूचना दी गई कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है। लेकिन वो 4 महीने के बाद जब उनका टर्म पूरा हुआ, जब वो यात्रा कम्प्लीट पूरी हुई, वो लौटे, उसके बाद उन्होंने भगवान को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में गर्भगृह में स्थापित किया, उसके बाद वो अपने गृहस्थ आश्रम में लौटे। तो हमें थोड़ा सा ये जिम्मेदारियां, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे और मुझे लगता है बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ में आपने ये चीज एक्सप्लेन की है। और मैं सिर्फ रतौड़ी साहब को नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि उस काल के दौरान की ये बातें, वो चाहे मुख्यमंत्री के साथ होती या फिर किसी आम व्यक्ति के साथ, कम से कम ऐसे चीजों को नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, हम इस पर आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, फौरन हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव तेरा प्रदेश को लेकर, क्योंकि 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी पर खास बातचीत के लिए खास पैनल भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सचिन जी के पास वापस चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, अभी विपक्षियों का कहना है कि चंपावत चुनाव को इफेक्ट करने के लिए, उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए योगी आदित्यनाथ का आगमन यहां पर करवाया गया है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और साथ ही साहब ने जो कुछ कहा इसके जवाब में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस हो चाहे मेरे अन्य दलों के मित्र हो, इनको मोदी और योगी फोबिया हो गया है। अगर ये किसी भी कारणवश, चाहे वो अपने निजी दौरे पे आए या अपने परिवार में अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण करने आए, चाहे पूजन करने आए, चाहे वो दर्शन करने के लिए आए, तो इनको ऐसा लगता है कि ये शायद जो है चुनावी दंगल में ही जो है प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी 6 तारीख को समाप्त हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री जी का भी जो है केदारनाथ जी का दौरा हो, तो उसको भी कहीं ना कहीं चुनाव के साथ जोड़ के देखना चाहेंगे। लेकिन असल में जो विषय वो केवल इतना ही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने परिवार से मिले, उन्होंने अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण किया और निश्चित रूप से परिवार के साथ कुछ समय बताया। और राजनीतिक चर्चा भी जब एक बड़े प्रदेश का व्यक्ति मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में आते, अपने गृहभूमि में आते, निश्चित रूप से यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। अभी शांति प्रसाद भट्टी ने कहा कि बड़े भाई, निश्चित रूप से बड़े भाई का नाम बार बार आ रहा, तो छोटा भाई भी कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड है। और एक छोटा सा विवाद, अगर हम अपने परिवार के विवाद की बात करें तो दो भाइयों में अगर एक 200 गज की भूमि का भी बंटवारा होना होगा तो उसे भी जो है सालों लग जाते हैं। ये तो कई 1000 करोड़ रुपये और 2500 एकड़ भूमि की संपत्ति का विषय है। पिछले नवंबर में 21 नवंबर 2021 में भी जो है दोनों मुख्यमंत्री के बीच में बैठ के लगभग 20 से 21 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों का बंटवारा हुआ। और आज हम कहें कि हमें मिल ही जाता, उन्होंने दे दिया है, दिन बाद मिलना था। तो ये जिस तरीके की दोहरे चरित्र और दोहरे उसकी बात करते हैं, ये गलत है। और मैं शांति प्रसाद भट्टी के नहीं, लेकिन लेकिन सचिन जी एक बात आपको आपको टोकना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोल रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। और बिल्कुल जो है मैं शांति प्रसाद भट्टी से बोलूंगा, जो शब्द उन्होंने बोले हैं योगी आदित्यनाथ जी के, अब शब्द उसे वापस लेके जो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जिस प्रकार से आपने बोला है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है गुंडागर्दी पे उतरे, उन्होंने जबरदस्ती चीजें कब्जा रखी है, जबरदस्ती कब्जे नहीं है, ये बंटवारा व्यवस्था। अभी आपके वक्तव्य में आप देखिए, अभी आप मुझे लग रहा है शांति प्रसाद भट्टी आप शायद भूलिए, अभी मैं भी डिबेट में बैठा हूँ, मैं डिबेट पे आपकी चर्चा कर रहा हूँ, आपने जिस प्रकार से बोला है। लेकिन सचिन जी एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी शांति प्रसाद जी ने जो कहा था कि प्रदेश, उमा जी हमारे साथ में थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रही थी कि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में आखिर परिसंपत्ति बंटवारे का मामला अटका क्यों हुआ है? क्या बीजेपी इसको नजरअंदाज कर रही है? क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी बड़ा भाई मितनाथ को, तो फिर देरी किस बात की हो रही है? फिर तो बड़ी आसानी से चीजें हो जानी चाहिए, सब जगह आप ही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जो है कोई देरी नहीं हुई, मैंने आपको बोला था जैसे ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश की कमान संभाली थी, उसके बाद जो है धामी जी का जो है दौरा उत्तर प्रदेश में रहा, उसके बाद बैठ के उसके एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य पर उसमें माहौल में जो है चर्चा हुई, और लगभग जो है 21,000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक सत्य को बंटवारे को लेकर जो है उस पर विस्तार से चर्चा, उस पर सहमति भी बन गई है। क्योंकि एक छोटा विषय नहीं है, एक बड़ा विषय है। और धीरे धीरे जो है आज भी योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान इसमें आया है कि निश्चित रूप से जो हमारे जो उत्तराखंड की संपत्तियों में और हमारे को लेकर जो विवाद है उसको सुलझा लिया गया है, और काफी हद तक जो है उसका समाधान भी कर दिया गया है, और निश्चित रूप से दोनों में बहुत किसी प्रकार को लेकर कोई तकरार नहीं है। आप ये देखिए ना, एक जो है या तो तकरार हो कि हम दे नहीं रहे, हम दे नहीं रहे, एक व्यवस्था के रूप से कार्य चल रहा है, और निश्चित रूप से जो है वो व्यवस्था पूर्ण होते ही जो है सारी परिसंपत्तियां जो बंटवारा होगा सबके सामने भी आ जाएगा। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से जो है सरकार संवेदनशील है इसको लेकर, और निश्चित रूप से इसका समाधान जल्दी निकलेगा। ठीक है, यानी जल्द ही समाधान जो है वो निकल आएगा। शांति प्रसाद जी के पास चलते हैं। शांति प्रसाद जी, अभी यहाँ पर आपने सुना सचिन जी कह रहे हैं कि जल्द ही समाधान निकलेगा, फिर मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। आपको लगता है, क्योंकि अगर इस दौरे की हम बात करें शांति प्रसाद जी, तो सिर्फ और सिर्फ उनका निजी जो अपनी मां से मुलाकात का कार्यक्रम था वो, और परिसंपत्ति, ये दो ही मुद्दे जो है वो सबसे ज्यादा
सामने निखर कर आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है कि अब परिसंपत्ति बंटवारों को लेकर कुछ फाइनल निष्कर्ष जो है वो निकल सकता है? शांति प्रसाद जी आप बताइए। देखिए, अगर उनके दौरे को देखा जाए तो उनका पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें वो आए और उन्होंने उसी दौरान अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण किया। आज अगर आप यमकेश्वर में जाकर देखेंगे तो हर परिवार के चेहरे में खुशी है, वो अपने बच्चे को देखना चाहते थे और वो भावुकता का क्षण ये बताता है कि हर परिवार का व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है वो आप बहुत भावुक था, उनका आना स्वागत है। मगर सवाल, क्योंकि राजनीति से भी जुड़े हैं, ये आध्यात्मिक होने के साथ साथ वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो उनके कुछ जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी, उस पर सवाल खड़ा करना क्षेत्रीय नेताओं का काम है, हमारा काम है। कि बड़ा भाई है अगर उत्तर प्रदेश का, तो उस उत्तर प्रदेश के बड़े भाई को हमारे को वो संपत्तियां छोड़ने में ऐसी कौन सी आफत आ रही है? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर लफ्फेबाजी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इसमें संपत्ति छोड़ने में उन्हें दिक्कत क्या आ रही। भाई दोनों सरकार तुम्हारी, केंद्र में भी तुम, उत्तर प्रदेश में भी तुम और उत्तराखंड में भी तुम। आपने उत्तराखंड के साथ अन्याय किया, आपके चुनावी मैनिफेस्टो में खुल्लम खुल्ला लिखा होता है कि हमको सत्ता दो हम आपका विवाद निपटा देंगे। आपको दो दो सरकार बन गई दो बार, अभी तक आप संपत्ति नहीं छोड़ रहे हो, अब और कितना समय चाहिए भाई? ये कोई नूरा कुश्ती है क्या कि चुनाव जीतेंगे हारेंगे तब जाकर आप कोई? 5 साल पूरे हो गए क्या? सवाल आपसे कर दिया गया हो। 2 साल जो है कोरोना काल में बीते हैं, देश की सेवा करते हैं, काम करते हैं, इस मानसिकता को बदलती है। 2020-21 ठीक है कोरोना काल में बीता, कोरोना काल को आपने निपटाया, लेकिन अब आने वाले सालों में भी आप ही हैं, 5 सालों के लिए आप भी कोरोना काल निपटा। ठीक है गरिमा जी, जैसे ही कोरोना काल निपटा 21 नवंबर 2021 को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री दोनों साथ में बैठ के विवाद पर चर्चा हुई तरीके से बैठे। ठीक है सचिन जी ठीक है, इनकी जनता को धोखा दोगे, हमारा ये साफ कहना है। कोई धोखा नहीं दे रहे हैं शांति प्रसाद जी, आप बैठकर आप धोखा देते हैं, आप गुमराह करके, यही कारण है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी आपको लगाने का काम करती है, खत्म करे भाजपा। प्रदेश की जनता आपको इसलिए लगाने का काम करती है कि प्रदेश की जनता किसी बारे में आप लोग खड़े नहीं हो रहे। ठीक है शांति प्रसाद जी शांति बनाए रखिए, शांति प्रसाद जी ठीक है आप लोग बहस मत करिए। रतूड़ी साहब हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से, रतूड़ी साहब आप बताइए, सचिन जी कह रहे हैं कि 5 सालों तक हम अगर थे तो 2 साल तो कोरोना में चले गए, अब आपको लगता है क्योंकि एक बार फिर से 5 सालों के लिए हैं, ये मुलाकातें जब परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर भी बताया जा रहा है कि अहम बातें यहाँ पर हुई हैं, तो क्या परिसंपत्ति बंटवारे पर कुछ निष्कर्ष आपको लगता है कि अब निकलेगा जब सभी जगह पर भाजपा की सरकार है, लगभग चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या केंद्र, तीनों जगहों पर, तो फिर समस्या कहां है, क्यों है, लग रहा है आपको कि अपने पड़ जाएगा मामला? इलाहाबाद से जीतते थे भूपेंद्र बोगड़ा जी, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था ताकि पहाड़ों का विकास कैसे हो, अगर दर्द हो तो, अगर दर्द नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हो गए, अरे आप बड़े भाई की भूमिका में, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये था कि आप उत्तराखंड के सपूत थे, अरे आपको कौन सा सामान ट्रक में ढो करके उत्तराखंड में लाना है, एक लाइन का प्रस्ताव करना है कि उत्तराखंड में जो संपत्ति है वो उत्तराखंड की और जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की संपत्ति हो उत्तर प्रदेश की, आपको कुछ लाना है, अरे आप में ईमानदारी हो तो TSDC में जो हमारा रॉयल्टी करते हिस्से में आती है, डैम बनाया हमने, डूब क्षेत्र हमारे, पलायन हमारे विस्थापित हुए उत्तराखंड के लोग, और 12.5% आप ले जाते हो और 2% उत्तराखंड को अगर आप बड़ा दिल है तो आप कहें उत्तराखंड में है टेरी डैम, ठीक है, ये उत्तराखंड को ये पूरा 12.5% उत्तर प्रदेश का है ये दिया जाए, अरे आप बड़े कब करेंगे, एक एक कागज पे समझौता होना है कि परिसंपत्ति जो उत्तराखंड में वो उत्तराखंड की, जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की,
अरे भाई ट्रक में सामान आएगा या बस में सामान आएगा या ट्रेन में आएगा जो इतनी दिक्कतें हो रही। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं देरी जो है वो हो रही है। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ में, सिसोदिया जी आप बताइए, अभी आपने कहा कि तीनों जगहों पर सरकार, जैसा कि आपने ही कहा था कि तीनों जगहों पर भाजपा की सरकार है, फिर आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? इस पर हमने जवाब मांगा तो कह रहे हैं सचिन जी कि अभी तक तो कोरोना काल हम निपटा रहे थे, और अब तो आपको भी लग रहा है कि अब जब दूसरा कार्यकाल में भी उत्तराखंड ने उनको ही मौका दिया, तो उत्तराखंड के बहुत सारे मुद्दे हैं, उत्तराखंड के पहले जो अंदर के मुद्दे हैं वो भी निपटेंगे, और साथ ही साथ परिसंपत्ति बंटवारा अब जब धामी साहब ने मान ही लिया है बड़ा भाई, फिर कहाँ दिक्कत है? फिर तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। देखिए एंकर महोदया, दिक्कत यहाँ है कि चीजें आसानी से सॉल्व नहीं होती। पहले भी 5 साल हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और वहां पर योगी जी की सरकार थी, दूसरा टेन्योर यहाँ पर भी है, दूसरा टेन्योर वहां पर भी है। अगर हम बात करें, मैं सचिन जी की बात से सहमत हूँ कि अभी तो यहाँ दूसरा टेन्योर शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल में आपने इस मुद्दे को कितना आगे बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा शून्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले भी आप यहाँ भी थे, वहां भी थे, उसके बाद भी हम परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझा नहीं पाए हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार कई तरीके का होता है, लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमें लगता है कि रुपए पैसे का जो भ्रष्टाचार है वही एक भ्रष्टाचार है। जबकि मैं कहती हूँ कि आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अकर्मण्यता का भ्रष्टाचार है कि आप कामों को करना ही नहीं चाहते, आप चीजों को करना ही नहीं चाहते। जो चीज आपके हाथ में है आप उसको लिंगर ऑन करते चले जाते हैं, आप उसको इतना ढिलाई बरतते हैं उसमें कि वो चीजें हो रही है नहीं हो रही है किसी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती। सरकार की प्रायोरिटीज कुछ दूसरी होती है, और कुछ बहुत जरूरी कामों को भी सरकार लिंगर ऑन कर देती कि ठीक है फाइल उठा के रख दीजिए, देखा जाएगा, 4-6 महीने फाइल धूल फाक रही है, फिर थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हल्ला गुल्ला मचता है, कभी गौरव गांधी जी का वहां हुआ तो फिर परिसंपत्ति का भूत निकल के बाहर आ गया, योगी जी अगर यहाँ आ गए तो फिर ये जिन बोतल में से निकल के बाहर आ गया, उसके बाद हम भी चुप, मीडिया भी चुप और फाइलें भी चुप। तो ये जो भ्रष्टाचार है अकर्मण्यता का, मैं कहना चाहूंगी कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप इस विवाद में ज्यादा टेंशन ही नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो ये सिर्फ जो धामी जी यहाँ आए या योगी जी आए तब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब ये समय है कि सरकार को ये मौका दोबारा बड़ा मुश्किल से, जो ट्राइंगल है दिल्ली यूपी और उत्तराखंड का, ये जो एक इस समय बना हुआ है ट्राइंगल, इस पे आप लोगों को आराम से बैठ कर लेना चाहिए। क्यों इतना लिंगारोहण कर रहे हैं? 22 साल हो गए उत्तराखंड को, और उत्तराखंड एक गरीब प्रदेश है। अगर हमारी संपत्ति हमें वापस मिलेगी तो हमारा रेवेन्यू कुछ और जनरेट होगा, कुछ और बेटर होगा। रोज हम 18 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, इतना पैसा सरकार बिजली खरीदने पे व्यर्थ मतलब गवा रही है, क्योंकि हमने अपने नौकरशाहों की नकेल नहीं कसी टाइम पे, क्योंकि हमारे मंत्रीगण तो उस समय चुनाव में बिजी थे, पूरी बीजेपी चुनाव में बिजी थी, और जो नौकरशाह है वो अपना बढ़िया मोटी मोटी तनखा लेकर अपना आराम से एसी कमरे में बैठ के सोए हुए थे। आज बिजली का इतना भारी संकट यहाँ उत्तराखंड में है, और इस समय हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, और इस समय धामी जी की मैं धामी जी की दौड़ को गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर उनकी जगह हम होते तो हम भी यही करते कि इमरजेंसी में बिजली खरीदिए, कहीं से बिजली लेकर आइए। लेकिन अकर्मण्यता, हमारे जो पूरा जुडिशियल, जो हमारा पूरे नौकरशाही का जो सिस्टम है, ये इतनी ज्यादा अकर्मण्य हो चुकी है, इनको काम करना ही नहीं है, काम इससे नहीं करना, क्योंकि इनकी नकेल नहीं कसी जाती। तो मैं आशा करती हूँ कि देखिए, मैं पूरे आज पब्लिक चैनल पर बोल रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ की जो एक सख्त प्रशासक की छवि है यूपी में, वैसे ही एक छवि धामी सरकार को भी यहाँ पर बनानी चाहिए। मुझे अगर मैं बात करूँ तो मुझे दो ही सीएम पसंद आते हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी और एक योगी आदित्यनाथ, क्योंकि दोनों सख्त प्रशासक हैं, जो डरते हैं ऑफिसर्स उनके राज में। ठीक है, वैसे उमा जी, डिबेट्स में ऐसा बहुत कम होता है, डिबेट्स में ऐसा बहुत कम होता है जब अन्य पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं वो दूसरी पार्टियों के नेताओं की तारीफ करते हैं। मुझे लगता है ऐसे सीखना चाहिए, और ये एक स्वस्थ राजनीति का बहुत अच्छा संकेत होता है कि अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छा बोलना भी ठीक होता है। कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, अभी आपने सुना उमा जी काफी बातें कह गई, उन्होंने ये भी कहा कि तीनों जगहों पर जब भाजपा ही है तो फिर आखिर क्यों इस मुद्दे को जल्दी से नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर इस 3 दिनों के दौरे को ध्यान से देखें तो एक तो निजी कार्यक्रम ही हाईलाइट हो रहा है, और दूसरा परिसंपत्ति को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों को लगभग कोई ना कोई उम्मीद है, क्योंकि तीसरा दिन जो है हरिद्वार के कल जब वो जाएंगे तो एक होटल के उद्घाटन को लेकर कुछ बातें होनी, परिसंपत्ति बंटवारे से जुड़ी कुछ बातचीत होनी है, तो परिसंपत्ति का निपटारा आखिर किया क्यों नहीं जा रहा? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, कोई भी विवाद इतना बड़ा नहीं होता
और उसके बड़े होने, अगर वो विवाद बड़ा हुआ है तो हमें सबसे पहले उसके मूल में जाना होगा कि ये विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ, और इस विवाद को किसने पाला पोसा, इस विवाद को सुलझाने की कोशिश किसने नहीं की। जब 2000 में राज्य बना और उसके बाद उत्तराखंड में अंतरिम सरकार थी और राज्य के अंतर्गत व्यवस्थाएं हो रही थी, राज्य के आंतरिक व्यवस्थाओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सिस्टम में लाने की, व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे थे। उसके बाद जब राज्य में पहली विधानसभा आई तो पंडित एनडी नारायण दत्त तिवाड़ी, स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवाड़ी यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, अनुभवी नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री रहा और उसके बाद उत्तराखंड में 5 साल मुख्यमंत्री रहा और उनके रहते हुए भी ये विवाद ना सुलझ पाया हो, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस विवाद में कितने पेंच होंगे। और मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग हमारे राजनीतिक दल ये बात कहते हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई, अरे भाई अदालतों में सबसे ज्यादा झगड़े छोटे भाई और बड़े भाई के जमीनों को लेकर के हैं जी, कत्लेआम के नहीं है कि छोटे भाई ने कब्जा दिया, बड़े भाई ने कब्जा दिया और एक एक बाप की संतान है, उनके फौजदारी के मुकदमे, उनकी जमीनों के मुकदमे सबसे ज्यादा अदालतों में हैं। बिल्कुल ठीक। और ये अभी 2-3 दिन पहले जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, उनमें ये तमाम बातें निकल करके आई हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक है, 5 दशक से ज्यादा का मुद्दा रहा असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का। जब मिजोरम राज्य का गठन हुआ और वहां से कई क्षेत्र कट करके इसमें आ गए, उसके बाद जो रहा 5 दशक लग गए उस विवाद को सुलझाने में। इसमें कोई दोराय नहीं है कि राजनीतिक दलों ने, चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो, क्योंकि सत्ता में तो ये दोनों दल थे, ये दोनों दल कटघरे में हैं, क्योंकि गंभीर प्रयास दोनों दलों की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि इसमें इतने ज्यादा पेच हैं। और एक सवाल एक पत्रकार के नाते मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से भी और यूकेडी से भी, और अभी चूंकि विपक्ष में कांग्रेस भी है, तो मैं इन तमाम तीनों दलों से पूछना चाहता हूं, सहृदयता के साथ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई यूकेडी की तो दिल्ली में सरकार भी है और वो उत्तराखंड में चुनाव भी लड़ी है, सॉरी आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में सरकार भी है और वो उत्तराखंड में चुनाव भी लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट पर अलग से क्यों नहीं राज्य के इन संपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे पर PIL डाली गई? बिल्कुल, उमा जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। उमा जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं आपकी इस बात को मैं आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि कोशिश नहीं, मैं इस बात को पूरा पहुंचाऊंगी कि शायद अब समय आ गया है कि जब हम इन संपत्ति के बंटवारे पे खाली यहाँ डिबेट पर बैठकर मैं अपनी बात कहूँ और डिबेट पर बैठकर हम सरकार के ऊपर दोषारोपण करते रहे, एज अ राजनीतिक दल हमारे लिए भी ठीक नहीं है और हम इसमें कुछ ठोस ऐसी कार्यवाही करें कि हम सरकार को मजबूर कर पाए कि वो इन संपत्ति के बात को सुलझाए। उमा जी मुझे बात पूरी कह लेने दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे बात पूरी कह लेने दीजिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि हमने इन मुद्दों के बारे में जितना मैंने इसको जाना है, समझा है, जितना मैंने इसको पढ़ा है, और मैं परसों अभी योगी आदित्यनाथ जी का ही एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जब त्रिवेंद्र रावत जी ने इसकी शुरुआत करी अपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी जो भाजपा की सरकार थी और त्रिवेंद्र रावत ने इस पर बातचीत करनी शुरू करी, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया था कि साहब ये तो बड़ा बम है, आप इसमें क्यों छेड़ रहे हैं। तो ये एक देखिए वहां पर एक बड़ी अलग सी बात कही, और उमा जी ने उस बात को कहा भी है कि योगी आदित्यनाथ ने जो है ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगा रखी है, तो कि भाई ब्यूरोक्रेसी तो चीजों को लटकाती है, ये बात खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कही। ठीक है ना, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठे हैं, आइए सुलझाते हैं। इस तरह की भावना के साथ राजनीतिक प्रयास होने चाहिए, दोनों दलों की तरफ से होना चाहिए। और मेरा तो विपक्ष से ये कहना भी है, क्योंकि विपक्ष भी यहीं का है और मैं पत्रकार होकर के मैं भी इसी राज्य का वासी हूँ, इसी राज्य का मेरा जन्म है। ठीक है ना, ये मेरी भी मातृभूमि है कि हम क्यों नहीं विपक्ष के पत्रकार इन मामलों पर सरकार पर दबाव बनाएं, धरना प्रदर्शन करें, तमाम मुद्दों को लेकर के RTI डालें, भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो RTI पे एक्सपर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐसे तो, मुद्दे और कांग्रेस इस विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए। कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रतोड़ी साहब आप बताइए, अभी कुलदीप जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले आप नहीं थे, कांग्रेस और बीजेपी दो ही दलों ने राज किया है,
दो ही दलों का राज रहा है उत्तराखंड में, तो आपके शासनकाल में किस तरह से यहां पर पहल की गई पर संपत्ति बंटवारे को लेकर? आज तो आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि बस एक लाइन का फैसला होना है, उसमें कौन सा हमें सामान ढोना है ट्रक से। आपकी भी तो सरकार थी तब, आपकी ओर से क्या क्या प्रयास किए गए? जब कांग्रेस की सरकार आए तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी। सवाल जब कांग्रेस की ये बिक्री, लेकिन ये पहला मौका है कि जब उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी ये तीनों भाजपा की सरकार है। तो पहले तो दिक्कत थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी तो यहाँ कांग्रेस की थी, वहाँ बीजेपी की थी। ठीक है, बड़ी लेकिन थी, लेकिन सुनिए पहले हाँ। आप फिर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो फिर फायदा नहीं। मैं आपको पूरा सुनूंगी, बस अपनी बात आप मैं जोड़ना चाहती थी। ठीक है, आप बोल लीजिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बस पहले आपने किया है, मैंने नहीं किया। सवाल यह है कि सरकार आज जब डबल इंजन, ये माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गए आप डबल इंजन की सरकार बना दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनता ने उसका स्वीकार किया और जनता ने उनको समर्थन दे दिया। अरे डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन दे दिया आपको तीनों। ठीक है, सरकार दे दी। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो बड़े भाई का दिल उत्तर प्रदेश रखे और केंद्र संरक्षक का दिल रखे तो इसमें कहीं ज्यादा दिक्कतें नहीं। कांग्रेस के नहीं, रतूड़ी साहब आपके एक तो आवाज ठीक से हम तक ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। रतूड़ी साहब के पास वापस चलेंगे। सचिन जी आप बताइए, आप तो डबल इंजन ही कहते हैं, आपके विपक्षी आपको ट्रिपल इंजन कह रहे हैं, लेकिन बावजूद जो मुद्दे आपने कहे थे कि सॉल्व हो जाएंगे अगर डबल इंजन की सरकार आती है, वो ट्रिपल इंजन के आने के बाद भी सॉल्व आखिर क्यों नहीं हो रहे? देखिए ये भी सोचने का विषय है। देखिए गरिमा जी, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो है आम जनमानस के विचारों का, आम जनमानस के संघर्षों को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के संघर्षों को जो है हमेशा सम्मान देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी तो उत्तराखंड में एक प्रचंड आंदोलन चला और शहीदों की जान माल के साथ साथ जो है हमारी माता बहनों ने जो है अपनी इज्जत आबरू तक खोई थी, उसका सम्मान करते हुए, उनका खोए हुआ सम्मान बनाने के लिए जो है सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है उत्तराखंड राज्य देने का काम किया। तो इससे पहले जो सरकारें वहां केंद्र में थी, केंद्र से संबंधित सरकारें जो वहां पे राज कर रही थी, उन राज्य, उन्होंने ये राज्य बनाने में जो अटकले पेश करी, ये भी जगजाहिर है, पूरा प्रदेश जो पूरा देश जानता है, और लटकाने का काम करते थे ये भी पूरा देश जानता है। तो जब क्या हुआ इस पर क्यों बातचीत करना सचिन जी? कब क्या हुआ इस पर हम बातचीत अभी नहीं करेंगे ना, हम तो पहले अभी ये देखेंगे कि आप सभी जगहों पर है तो आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए। रतूड़ी जी मुझे बोलने दीजिए। रतूड़ी जी मेरे को बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना आपकी बात, बात का जवाब दूंगा। राज्य देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो भी पैकेज दिया। ठीक है सचिन जी आपके पास लौटेंगे। कुलदीप राणा जी आप बताइए, अभी आपने सुना डबल इंजन, खुद बीजेपी कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, और प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो कह गए कि डबल इंजन की सरकार अगर बन जाएगी तो हम सारे मुद्दों को हल कर देंगे, और विपक्षी आज ये तक मानने को तैयार हैं कि ये ट्रिपल इंजन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र, बावजूद इसके इतनी देरी, तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो खड़े होंगे ही। नहीं बिल्कुल गरिमा, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल, ये इस मुद्दे पर प्रदेश में की भाजपा सरकार कटघरे में है, और कटघरे में इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो 5 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और उसमें जो 3 मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ उसकी वजह से कई ऐसे मुद्दे थे राज्य के जो परवाह नहीं चढ़ पाए, क्योंकि नया मुख्यमंत्री आता है, उनकी प्राथमिकताएं किस प्रकार की होंगी, ठीक है, और अंत समय में जब सरकार के पास समय कम था तो पुष्कर धामी को कमान सौंप दी गई। अब पुष्कर धामी राज्य के मुद्दों को देखें या चुनाव को देखें तो ये तमाम सारी परिस्थितियां रहीं, और हालांकि उसके बावजूद भी अंतिम समय में भी पुष्कर सिंह धामी ने वो तमाम प्रयास किए और वो उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश के साथ उन्होंने परिवहन के मामलों में कई मामलों में उन्होंने सफलता भी हासिल की है।
ठीक है, तो अब चूंकि सरकार बनी है और नई ये पांचवी विधानसभा का गठन हो चुका है, सरकार अस्तित्व में आ चुकी है, लेकिन राज्य की एक और विडंबना यह है कि यहाँ के जिन मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना विधायकी का चुनाव पहले चौथी विधानसभा पांचवी विधानसभा का वो हार चुके थे और अभी उन्होंने उपचुनाव में जाना है, तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं। तो अब चूंकि हम चाहे सरकार पर जितने भी पत्थर फेंक दें, लेकिन जो व्यवस्था है काम तो उसी व्यवस्था के तहत होगा और हमें थोड़ा सा यहाँ पर लेकिन कुलदीप जी व्यवस्था हम... भी मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, और ये भी बात ठीक है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब तीनों जगहों पर ये लोग हैं, तो ऐसे में मौका भी इनके पास बहुत अच्छा है। कुलदीप जी माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, हमारे पास में समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के दौरे पर हैं, लेकिन अब सीधा आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें जहाँ पर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के बाद पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो सुना था। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के आज विमोचन अवसर पर मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और अभी जिन्होंने पूरी प्रस्तावना रखी यहाँ पर विस्तार से स्वर्गीय बहुगुणा जी के बारे में हम सबके सामने एक झलक बहुत कम शब्दों में और विस्तार से समझाने के लिए आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बड़े सुपुत्र उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी और कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, महेश शर्मा जी, हमारे उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी जी, सांसद आदरणीय बंसल जी, माना लक्ष्मी शाह जी, सुबोध जी, सौरभ जी और बहुत सारे हमारे यहाँ पर माननीय सांसदगण हैं, सारे महानुभाव उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा मैं कहूं कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिन हेमवती नंदन बहुगुणा जो पहाड़ से निकलकर जिन्होंने हमेशा हिमालय की तरह दृढ़ रहकर राजनीति हो या उनके व्यक्तिगत जीवन हो जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, वो एक चीज और कहते थे ना कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उनके बहुगुणा जी के जीवन पर लिखित पुस्तक भारतीय जन चेतना के संभावक के विमोचन का आज ये सौभाग्य मिला है। वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था उनसे हमने कभी बहुगुणा जी ने तो नहीं बताया मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी गण थे या उनके साथ जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया था, तो मैंने पूछा था उनसे तो कहते थे कि वो हर किसी से अपना अलग अलग तरीके से फीडबैक लेते थे। हर दिन उनके यहाँ ये तय होता था कि कौन उनके साथ सवेरे का नाश्ता करेगा, कौन दिन का भोजन करेगा, कौन रात्रि को रहेगा, और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश की और उस समय की जो वर्तमान जो हालात थे उन हालातों पर वो चर्चा करते थे। उनके जो काम थे वो अभी रीता जी ने बहुत विस्तार से बताया आपको, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, कुशल प्रशासक थे, ओजस्वी वक्ता थे और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। हिमालय पुत्र, उनके इरादे हिमालय जैसे थे। अभी मैं उनकी जयंती के अवसर पर आदरणीय बहुगुणा जी के साथ गया था
तब पत्रकार बंधु पूछ रहे थे मुझे कि बहुगुणा जी के बारे में कुछ कहिए, तो मैंने कहा जैसे वो उनका नाम था हिमती नंदन, उनके इरादे भी जो है हिमालय जैसे थे और उन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, लगातार अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति के उन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। आज उस क्षेत्र में उनका पहाड़ के प्रति भी एक विशेष लगाव था, उत्तराखंड की माटी के वो लाल थे और लगातार जो उत्तराखंड के बारे में सोचते थे, आज उन्हीं सब कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में हो रहा है। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि स्वर्गीय हिमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन करने के दौरान उनको लेकर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। और देवभूमि के दंगल में भी आज बस इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।